हेलो एवरीवन, अगर आप भी एक एसटी होल्डर हैं तो आपको भी शायद लग रहा होगा कि अभी एसटी की जगह एसएनबी आ गया है। शायद हमारा जितना भी अमाउंट लगा हुआ था वो हमें अमाउंट वापस मिल जाएगा या फिर उतनी स्टेकिंग वापस शुरू होने वाली है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का और पिछले प्रोजेक्ट का कोई खास लेन देन नहीं है, क्योंकि वो सोलर के नाम पर था, ये सोशल नेटवर्क के नाम पर है। आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया कि वो अपना जो अमाउंट है वापस ले पाएं। वापस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी अमाउंट को वापस रीस्टेक करने का मौका जरूर मिल रहा है। हालांकि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे आपको मैं एक पीडीएफ भी दिखाने वाला हूँ जिसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया गया कि आप इसमें अर्निंग्स कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते रहते हैं। तो आपने एक चीज तो YouTube पे नोटिस करी होगी कि अगर हम STA सर्च करते हैं तो STA के साथ SNV की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। Google पे सर्च करें तो अभी SNV का कोई खास लेन देन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सर्च करोगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर तो टेलीग्राम के ऊपर आपको इजीली एसएनवी की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां पे एसएनवी एक्सचेंज के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसके प्लान को ऑलरेडी कई सारे चैनल्स के ऊपर भी डाल दिया गया है। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक कोई भी शो ना ही किया गया है और ना ही किसी ने बताया है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आई है कि एसटी की जगह आपको एसएनवी मिल रहा है। यहाँ पे एक सोशल नेटवर्क विजन ऑफिशियल के नाम से चैनल देख सकते हैं, जिसमें एक मैसेज डाला गया है कि एसटी का जो प्रिंसिपल अमाउंट से स्टेकिंग प्लस रॉयल्टी जो कट गया है वो वापस मिलने वाला है, सभी लोगों को वापस मिलने वाला है और दोबारा फिर सोलर टेक्नो डॉट आईओ पर उसी तरीके से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया कि 1 अक्टूबर से ये सब कुछ शुरू होने वाला है। 1 अक्टूबर आने में अभी 2-3 दिन बाकी है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है कि 1 अक्टूबर से सडनली एसटी चालू हो जाएगा। अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जो कि solartechno.io है, तो वेबसाइट तो अभी भी उसी तरीके से रन कर रही है। ये हम सभी जानते हैं कि इनकम सभी की रोक दी गई है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, स्टेकिंग अमाउंट है, उस सबको किसी न किसी तरीके से होल्ड पे लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। कोई भी अपडेट नहीं आई है ऑफिशियल चैनल, क्योंकि अभी बचा भी नहीं है। जैसे कि ट्विटर इनका था जिसके ऊपर ये लगातार इन्वेस्टमेंट्स करने को बोल रहे थे, वो ट्विटर भी बंद कर दिया गया है। वेबसाइट अभी भी चालू है, लेकिन जो अमाउंट है वो इन्होंने अपने वॉलेट्स में रखा है। आप सामने देख सकते हैं, हमने बीएससी स्कैन के ऊपर एसटी का जो एड्रेस है वो सर्च किया, यहाँ पे टोटल सप्लाई बताई जा रही है वही 210 मिलियन की, होल्डर्स 1,74,431 अभी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो अमाउंट पड़ा है वो सबके एड्रेसेस के ऊपर पड़े हैं और जो ट्रांजेक्शन है अभी भी लगातार हो रही हैं। आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर्स, मल्टी कॉर्स, ये सब कुछ चलता जा रहा है। तो टोटल ट्रांसफर्स आप देख सकते हैं 6 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। प्राइस यहाँ पे बताया गया 0.01 डॉलर के आसपास। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप लगभग 3 मिलियन डॉलर का यहाँ पे बताया गया। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 3.2 मिलियन डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें अमाउंट काफी जा रहा है। बहुत लोगों का अभी भी विश्वास है एसटी में कि एसटी शायद फिर से चालू होगा, लेकिन बात यह कि जब गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो होल्ड हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स की जो कि टोटली सेंट्रलाइज्ड होते हैं या फिर जो रुपीज़ के बेसिस पर चलते हैं, जिसकी वजह से पूरा अमाउंट निकाल लिया जाता है। अब हो सकता है कि ये जो अमाउंट है अभी अमाउंट होल्ड गवर्नमेंट करने की कोशिश करती भी है, तब भी अमाउंट रहेगा सबके वॉलेट्स में, जिस कारण यहाँ पे अभी भी मिलियंस में अमाउंट दिख रहा है एसटीए का, यानी कि फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप अभी भी दिख रहा है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि काफ़ी सारी वीडियोस डाली गई एसएनवी टोकन के नाम से जो कि यूट्यूब के ऊपर है, जहाँ पे आपको बताया गया कि आप अपने एसटीओ को क्लेम कर सकती हैं एसएनवी के रूप में। यानी कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाते हैं या फिर किसी भी वॉलेट के डैप में जाते हैं और वहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं snvworld.io, तो आपको इस तरीके से लॉगिन करने का एक डैशबोर्ड दिख जाएगा जिसमें आपने वॉलेट कनेक्ट करना है जो कि बीएससी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल नेटवर्क विजन, ये कॉइन आपको मिलने वाला है। अब बार बार मैं सारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी मैंने चेक किए हैं, कमेंट्स के नीचे एक चीज़ बताई गई थी कि ये जो टोकन है ये उतना टोकन हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर आपका 1000 लगाया हो तो आपको 1000 के बदले में 1000 टोकन नहीं मिल रहे हैं, 1000 एसटी के बदले में 1000 एसएनवी नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आपको मिल रहा है 1000 के बदले में 200, 400, 500, यानी कि रैंडमली मिल रहे हैं। इसके ऊपर कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, और जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको वापस वहीं पे स्टे करने को बताया गया है कि आप यहाँ पे फिर से स्टे कर दो और इसके ऊपर आप अर्निंग शुरू कर दो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे एक स्कैम तो ये हो सकता है कि आपको जनरली ऐसे किसी को भी $500 या फिर उससे ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा के कि आपको एसटी के बदले में एसएनवी टोकन्स मिल रहे हैं और आप यहाँ पे स्टेकिंग अर्निंग कर लो, एक तो ये सच्चाई भी हो सकती है। दूसरा ये कि सच्चाई ना होते हुए यहाँ एक और चीज़ पॉसिबल है, वो ये है कि सच्चाई ना होते हुए यहाँ पे कोई सिर्फ इतना ही कोशिश कर रहा है कि एनी हाउ सम हाउ एसएनवी को यहाँ किसी न किसी तरीके से प्रमोट किया जाए,
एसटीए की जगह पे एसएनवी को लाया जाए, एसएनवी सभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसी को बाय करेंगे, इसी में स्टे करेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से कुछ और अमाउंट स्टेक्ड अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि एसएनवी अपना अलग से एक स्कैम करने वाला है जिससे आपने किसी न किसी तरीके से हर हाल में बचने की कोशिश करनी है। तो मेरी आप सभी को सिर्फ एक यही बेनती है कि आपने एसएनवी चाहे रियल है एसटी के बदले में एसएनवी आया या जिस तरीके से किसी भी तरीके से सामने आए, आपने इस चीज़ से बचना है। क्योंकि अभी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ जो कि सोशल नेटवर्क विजन एसएनवी का पीडीएफ है, जो आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा लो है। अबाउट अस लिखा हुआ है, मिशन विजन सोशल नेटवर्क, यहाँ पे सब हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से कॉपी करी गई है। टोटल सप्लाई 510 मिलियन बताई गई है, टोकन वैल्यू 0.3, टोकन लॉन्च 2023, यानी कैसे कुछ भी काफ़ी सारी रैंडम चीज़ें भी लिखी गई हैं। और इसमें जैसे बर्निंग मैकेनिज्म बताया गया है, स्टेक अमाउंट आपसे $50 से लेकर $10,000 या फिर उससे ज़्यादा भी लेने वाले हैं, जिसके ऊपर आपके 6% से लेकर 12% प्रॉफिट देने वाले, स्टेकिंग इंसेंटिव देंगे, डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, वीकली बोनस, यानी कि प्योर एक एमएलएम प्लान है जो कि एसएनवी के नाम से सामने आया है, जिसमें आपको वीकली बोनस मिलेंगे। यहाँ पे स्टार्स रैंक्स दिए गए हैं, 1 star to 9 star, काफ़ी सारे हैं, जिसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत घटिया क्वालिटी का पीडीएफ है, क्वालिटी से ही प्रोजेक्ट का पता चल जाता है कि इन्होंने कितना का काम किया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको एसएनवी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इसको एसटीए समझ कर इसमें और इन्वेस्ट नहीं करना है। विड्रॉ तो होगा ही नहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको एनी हाउ लग रहा है कि शायद एसएनवी एसटीए की जगह है, तो जितना बन रहा है आप बना लो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है। उदाहरण के तौर पर आपने तो सोचा कि शायद आपका अमाउंट यहाँ पे लगा हुआ है और आपका अमाउंट ऑलरेडी स्टेक्ड है, लेकिन आप इस लालच में आ जाएंगे कि आपने डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम यहाँ पे कमानी है, और आप अपनी टीम को दोबारा से बोलेंगे, अपनी टीम को या फिर किसी को भी पकड़ के बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर दो $50, $100, $1,000। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका अमाउंट जब लगेगा, हो सकता है कि आपको शायद डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम भी मिल जाए, आपका स्टेक अमाउंट भी या फिर उसके ऊपर जो अर्निंग है वो मिल जाए, लेकिन वो अमाउंट उनको वापस कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। मैं इसको कंपेयर करूँ अगर एसटीए से तो लोएस्ट क्वालिटी का है। एसटी को कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ एसएनवी का एसटीए के साथ, तो एसटी इससे कई गुना अच्छा है। क्योंकि अगर हम उसका एक डायल्यूटेड मार्केट कैप भी देखते तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। वो शायद एक विजन लेकर चल रहे थे, कुछ अच्छा करने वाले होंगे शायद, जो कि अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन शायद करते। लेकिन इसके चक्कर में आपने एसएनवी में बिल्कुल भी स्टेक या कुछ भी नहीं करना है, किसी को रेफर नहीं करना है, आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल मानना यही है कि आपने इस जैसी जो इनकम्स हैं, जो रेफरल्स इनकम है, इनसे दूर रहना है, चाहे वो एसटी हो चाहे एसएनवी हो। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, टोकन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर हम एसटी की बात करें, इसकी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सभी लीडर्स को पकड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू करीब $0.014 के आसपास चल रही है, वॉल्यूम धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन इसमें हम फ्लक्चुएशंस देख पा रहे हैं कि प्राइस में धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो कभी मत समझना कि एसएनवी एसटीए की जगह है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने एसटीए में स्टे किया या फिर जो एसएनवी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।